गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे खुशी है ये दूसरी बार हम लोग साथ में इस वर्कशॉप के दौरान, और आज का सेशन जो है हमारा पर्सनालिटी के ऊपर है। आप में से कुछ लोग जो पिछले सेशन में भी रहे होंगे मेरे साथ, वो जानते हैं कि हमने पिछली बार बात की थी इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस के, जो कि मेरा काम है। मेरा डोमेन जो है वो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस है, जो कि न्यूरो साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। और जब कंचन जी ने मुझे कहा कि एक टॉपिक जो है वो पर्सनालिटी पे लेना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा भी कि मेरा जो काम है उसमें पर्सनालिटी को दो तरह से देखा जा सकता है। तो मैं जिस तरह से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगा एज ए टीचर, वो मैं आज चुनूंगा। और शी वॉज वेरी ग्रेशियस दैट शी अलाउड मी टू डू दैट। शी सेड इट विल बी गुड इफ यूल एड वैल्यू फ्रॉम योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। हाउएवर शी सेड इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी इन द सेंस ऑफ नॉट ओनली टीचिंग इफेक्टिवनेस बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। सो वॉट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू कंबाइन ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देन आई विल ट्राई टू एड एज मच वैल्यू एज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। प्रति जी ने मुझे इंट्रोड्यूस करते वक्त ये तो कहा कि मैं जो हूँ वो इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मोटिवेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस होते हैं। प्रति जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन तथ्य ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब चैनल है, उस पे सिर्फ न्यूरोसाइकोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, जो कि हमेशा इस बारे में बात करता है कि कैसे आप ब्रेन और माइंड, इन दोनों की कंबाइंड समझ से अपने काम और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सो आई एम डॉक्टर संदीप अत्रे एंड आई डू नॉट रियली कंसिडर माई सेल्फ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेट मी बी ऑनेस्ट। So I'll be honest, when I saw your videos yesterday, I was motivated myself. That's why I'm Now motivating you. that is a compliment I'll take, thank you so much करते जी। ये बात मैंने क्यों निकाली उसकी भी बात कह दूं मैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से अधिकतर टीचर्स जो हैं वो कहीं कहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स की ऑ में आने लग गए, जिसकी मुझे बेहद चिंता है। इस सेशन की शुरुआत मैं उस इम्पॉर्टेंट बात से करूं जो मेरे दिल के बहुत नजदीक इसलिए है क्योंकि वो मेरा दिल बहुत दुखाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली हैप्पी बीइंग कॉल्ड अ टीचर। देखिए, कुछ लोग अभाव से टीचर बनते हैं, कुछ लोग प्रभाव से टीचर बनते हैं, और मुझे ये मुगालता है कि मैं स्वभाव से टीचर हूं, और जितना नहीं था उतना बनने की कोशिश में शायद बेहतर बन गया। अब आप कहेंगे, साहब ये स्वभाव से टीचर क्या होता है? उस पर आऊंगा मैं, क्योंकि इस टॉपिक का उससे काफी साबिका बनता है। देर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ दीज टू टॉपिक्स, सो आई कम टू दैट लेटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर से क्या एलर्जी है? दरअसल मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है एक टीचर को एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए, और प्रोफेशनलिज्म की एक ही डेफिनेशन होती है जो कबीर ने दी है, ग्रेट कबीर। आप उन्हें कबीर दास कहें, संत कबीर कहें, मुझे लगता है उन्होंने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन दी थी कि एक प्रोफेशनल को कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा था, डेफिनेशन होती है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। सो प्रोफेशनल कैन नॉट अफोर्ड एक्सट्रीम लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और प्रोफेशनल टीचर तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता अफोर्ड, क्योंकि प्रोफेशनल टीचर तो वैसे भी कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर होती। एक अच्छे टीचर के कोई फेवरेट स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। अगर आपके फेवरेट स्टूडेंट्स होने लगते हैं तो फिर आप स्वभाव से टीचर नहीं हो सकते। हाँ, एज अ पर्सन आपके कुछ फेवरेट लोग हो सकते हैं,
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर के नॉट सब्सक्राइब टू एनी स्कूल ऑफ थॉट. लोग कहते हैं क्यों भाई, टीचर भी तो ह्यूमन है, अगर वो किसी स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है तो इसमें क्या गलत. मैं कहता हूँ गलत है, क्योंकि आप में से जितने लोग लॉ को बहुत अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि जितने लॉज हैं उसमें एक चीज कॉमन निकलती है कि सारे क्राइम्स जो कि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में रहने वाला इंसान करे उसकी सेवरिटी ज्यादा मानी जाती है. यानी अगर आप एक बॉस हैं, अगर आप पेरेंट हैं, अगर एक लीडर हैं, अगर एक टीचर हैं, तो आपके द्वारा किए गए क्राइम की सेवरिटी को ज्यादा माना जाता है बिकॉज यू वर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. और इसीलिए मेरा मानना है कि क्लास के बाहर हमारी जिंदगी में हम क्या होते हैं और क्या बनते हैं वो अलग चीज है, पर क्लास में जो है वी कैन नॉट अफोर्ड टू सब्सक्राइब टू एनी स्कूल ऑफ थॉट. एक पर्टिकुलर विचारधारा को बिलोंग करना एज अ पर्सन परमिसेबल है हम सब के लिए, बट एज अ प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल टीचर आई रियली थिंक इट्स वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर कोड ऑफ कंडक्ट कि हमें वो नहीं होना चाहिए. ये मेरा अपना यकीन है, अपनी सोच है. कोई जरूरी नहीं कि आप इससे जो है वो इत्तफाक रखें. आई डोंट थिंक यू नीड टू अग्री विथ एवरीथिंग दैट आई से. वापस आता हूं. तो मेरा मानना है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है उससे हम ऑ में रहने लग गए. उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक टीचर जो है वो धीरे धीरे अपनी, जो एक बड़ा हिंदी में खूबसूरत वर्ड है, अपना सत खो रहा है. सत को इंग्लिश में अगर क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन निकालू मैं तो एसेंस होता है. अ टीचर सीम्स टू बी लूजिंग हिज और हर एसेंस. एक टीचर बहुत ही सिक्योर इंसान होना चाहिए. इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं एक इनसिक्योर इंसान जो है एक असुरक्षा के भाव से, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें आती हो, एक असुरक्षा के भाव वाला इंसान, एक इनसिक्योर इंसान कभी भी एक अच्छा टीचर और पेरेंट बन ही नहीं सकता. तो मुझे लगता है कि टीचर का काम बहुत सिक्योर होना चाहिए, वो अंदर से बहुत सिक्योर होना चाहिए टीचर. इसीलिए बाहर वो इनसिक्योरिटी ढूंढता है. देखिए, जो अंदर से सिक्योर होगा वो बाहर इनसिक्योरिटी ढूंढेगा, जो अंदर से इनसिक्योर होगा वो बाहर सिक्योरिटी ढूंढेगा. वही है ना, हमारे में जो कमी होती है वो हम बाहर ढूंढते हैं. मुझे लगता है टीचर जो है उसको बहुत सिक्योर इंसान होना चाहिए अंदर से. अब मैं जब ऐसा कहता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को दबाने की जरूरत है. मुझे लगता है उसे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को, दोनों को एक जद में रखने की कोशिश करनी चाहिए. और मुझे लगता है कि धीरे धीरे मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से एक टीचर को पता नहीं क्यों पॉपुलैरिटी का बहुत एस्पिरेशन हो गया. जबकि मैं हमेशा से कहता रहता हूं दैट टीचिंग, लीडिंग एंड पेरेंटिंग दे आर नॉट पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट्स. मुझे लगता है पॉपुलैरिटी इज गेन्ड, फेम इज अचीव्ड, बट रेपुटेशन इज एस्टैब्लिश्ड. तो एक टीचर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ चाहिए तो वो रेप्यूट बिल्ड करने की तासीर होनी चाहिए उसमें. और प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो उस चचा की तरह होते हैं जो अमेरिका से कुछ दिनों के लिए आते हैं, बच्चों में हवा भरते हैं और फिर चले जाते हैं. अच्छा, उनकी भी वैल्यू है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी कुछ गलत है, पर टीचर्स उन पेरेंट्स की तरह होते हैं जो वो बच्चों में जो हवा भरा गई है उसके बाद उसमें कितनी हवा रखनी है उस गुब्बारे में और कितनी निकालनी है जिससे वो उस हवा को यूटिलाइज करके उड़ तो जाए और इतना भी ना फिर हाथ ना है. मुझे लगता है ये एक बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक काम है. और एक टीचर जो है मैं उसे हमेशा से मानता हूं कि वो बहुत गहरा और बहुत लंबा काम करता है, लेंथ में काम करता है टाइम के हिसाब से. तो मुझे लगता है कि एक टीचर होना कहीं ज्यादा मुश्किल काम. जैसे मैं हमेशा कहता हूं एक आर्टिकल लिखना बहुत आसान काम है, एक बुक लिखना बहुत मुश्किल काम है. रीजन क्या है? क्योंकि मैं अगर वेब पे कोई आर्टिकल लिख दूं, अभी ब्लॉग लिख दूं, मैं पिछले 10-11 साल से लिखता हूं ब्लॉग और लगातार लिखता हूं, मेरा मानना है टीचर को लिखना चाहिए, उस पर भी मैं आऊंगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बुक लिखना जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है, अच्छी बुक लिखना ऑफकोर्स, लेकिन बुक लिखना तो ऑफकोर्स बहुत मुश्किल काम अपने आप में होता है. उसका रीजन है क्योंकि बुक जो है उसमें आपको नॉलेज को डिस्टिल करके प्रेजेंट करना पड़ता है और डेकेड्स ऑफ नॉलेज को पढ़कर उसमें से कलियां चुनकर उनको पिरोना पड़ता है.
देखिए विचार जो है वो बुरा मत मानिए, मैं हमेशा से कहता हूँ विचार तो बड़ी ही फ्रिवलस चीज होती है, थॉट्स और आइडियाज में फर्क है। अब आप कहेंगे भाई आइडियाज तो थॉट्स से आते हैं, मैं उस पर बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, पर आइडिया जो है वो थॉट्स का पका हुआ वर्जन है और फिर आइडियाज से निकले हुए कॉन्सेप्ट जो है वो और पके हुए वर्जन है, कॉन्सेप्ट से निकली हुई थ्योरीज जो है वो और पकी हुई वर्जन। तो फाइनली ये जो पूरा पकने की प्रक्रिया है, दिस होल प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ थॉट, इससे खुद को गुजारने की जो कवायद है, द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन सेल्फ गो थ्रू दिस होल मैच्योरिटी कॉन्टिनम इज एट द हार्ट ऑफ बीइंग अ टीचर। तो ये बात मैंने क्यों निकाली उसकी वजह भी बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं तीन चीजों पर बात करूंगा। पहला कि भाई पर्सनालिटी होती क्या है, पर मैं ये बात नहीं करूंगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, मैं उसकी वजह भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो तो ऐसा काम है जो बहुत उथला हो जाएगा, बहुत सरफेस पे हो जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में जाने के लिए जो है मुझे लगता है मेरे को यहाँ बुलाया गया, क्योंकि मुझे लगता है आप जो चीज यूट्यूब पे ऐसी देख सकते हैं उसके लिए आप क्यों एक पर्सन को सुनेंगे बैठ के, आपके पास बेहतर काम है जिंदगी में। तो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, तो वापस आऊं उस बात से जहां हमने बात शुरू की थी। देखिए मैं बहुत प्रोफेशनल टीचर हूं, मुझे मालूम है मैं कहां से छोड़ के आता हूं थ्रेड। ये सब बातें हमने निकाली थी जो कंचन जी से मेरा डिस्कशन हुआ था उस दौरान। तो आज पर्सनालिटी पे तीन स्लाइड्स हैं। पहली स्लाइड जो है वो है डिस्क्राइबर ऑफ पर्सनैलिटी, कि भाई डिस्क्राइबर्स क्या है, पर्सनैलिटी कैसी होती है, पर्सनैलिटी चीज क्या है, पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट क्या है, अगर मैं और अच्छे तरीके से कहूं। दूसरा डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि भाई पर्सनैलिटी को क्या चीज डिटरमाइन करती है। और फिर तीसरा जो है डेवलपर्स ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे डेवलप की जा सकती है बेहतर तरीके से। पर आपको इस पूरे सेशन के दौरान उन तीनों स्लाइड्स के चलते जिस एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है, यहां मैं एज ए टीचर आपको दो जिम्मेदारियां दूंगा। पहला, आप जब देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो पर्सनालिटी अपनी ना देखते हुए या सिर्फ अपनी ना देखते हुए स्टूडेंट्स की और कलीग्स की पर्सनालिटी, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से करूं कनेक्ट, तो उनकी टर्म्स में भी इस सेशन को देखेगा, यानी सिर्फ मेरी पर्सनालिटी को ना देखो, मतलब ये ऐसा ना हो जाए कि ये इंट्रोस्पेक्शन का तो बहुत अच्छा सिलसिला बन जाए, पर आप ये ना कर पाए कि आप इसके थ्रू सामने वाले को समझने की कोशिश ना करें, अगर तो फिर इस सेशन का जो सारा सत्य है वो जाया हो जाएगा। सो दिस सेशन विल लूज इट्स एसेंस इफ यू विल अप्लाई ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली इन रेफरेंस टू योरसेल्फ। You are also supposed to utilize these concepts in reference to understanding others. याद कीजिए हमारे पिछले सेशन में जो मैंने आपको मॉडल बताया था हमारा proprietary मॉडल, अवेयरनेस, अट्यूनमेंट और adaptability. तो यहां दो चीजें आपको करनी है, अवेयरनेस भी होनी चाहिए इस सेशन के दौरान और इसके बहाने, और अट्यूनमेंट भी होना चाहिए कि आप सामने वाले जो हैं उनको बेहतर तरीके से समझें। कहां पे कब कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा अवेयरनेस और ज्यादा अट्यूनमेंट से कनेक्ट होगा उस पर मैं ऑफकोर्स बीच बीच में आपको नज करता रहूंगा, बट आई स्टिल बिलीव दैट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टे कॉग्निजेंट ऑफ विच कॉन्सेप्ट टू बी अप्लॉयड इन विच कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो इस पूरी भूमिका के साथ जो है मैं आगे चलता हूं। आप कहेंगे आपने भूमिका जरा ज्यादा बांध दी, मुझे लगता है कि एक अच्छा टीचर जो है वो बेस हमेशा स्ट्रांग सेट करेगा, तो उस बेस में मैं थोड़ा और सा कुछ ऐड कर दूं। ये सेशन मेरे हिसाब से क्यों जरूरी है आइए बता दूं। मेरा मानना है एक टीचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्वाभाविक गुण है, याद है मैंने कहा था स्वभाव पे वापस आऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्वाभाविक गुण है एक टीचर का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक एंड एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर इज दैट अ टीचर शुड बी एज मच पॉसिबल, एज मच, पूरी तरह से कोई कुछ नहीं हो सकता, एज पॉसिबल, as much possible. A teacher should be non-judgmental. Non-judgmental का क्या मतलब है? Non-judgmental मतलब ये कि वो सामने वाले को judge जितना
देर से और जितना कम करे उतना अच्छा। आप कहेंगे अरे अर्दो की पिछली बार तो आप हमको समझा रहे थे कि ऑब्जर्व करो, अब आप कह रहे हो जज मत करो। अरे फर्क है भाई, ऑब्जर्व में आप उस इंसान को अभी के टर्म्स में ऑब्जर्व करते हैं, उसके पास्ट के टर्म्स में ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आप आखिरी तक उसमें वैल्यू जजमेंट्स नहीं डालते। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वैल्यू जजमेंट्स, जिसको मैं कहूंगा वैल्यू वैल्यूएशन नहीं कहते। आप ये नहीं कहते ये अच्छा ये बुरा है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बरसों से बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे अपनी परेशानियां शेयर करते रहे क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, और उनमें से अधिकतर जो मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट देते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो ये कहते हैं कि आपसे बात करते वक्त ऐसा नहीं लगता कि हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो ये तय कर रहा हो कि हम अच्छे हैं या बुरे। तो मैंने कहा देखो, मुझे लगता है ये गुण जो है वो मुझे मेरे टीचर से मिला, क्योंकि जो मेरे मेंटर्स थे, देखिए हर एक इंसान का अपना मेंटर होना चाहिए, मेरे भी मेंटर्स हैं, तो मेरे मेंटर्स हैं, मेरे एकेडमिक पेरेंट्स जिनको मैं कहता हूँ, वैसे तो बहुत सारे मेंटर्स और टीचर्स हैं, पर स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो डॉक्टर संगीता जैन, डॉक्टर रजनीश जैन, ये दोनों मेरे एकेडमिक पेरेंट्स रहे। उनके अलावा न जाने कितने और लोग हैं, मेरे अपने गुरु भाई डॉक्टर विवेक शर्मा, वहां से लेके वेंकटरमन सर, ऐसे न जाने कितने सारे नाम हैं जो कि मैं मैं कुछ ले बैठा क्योंकि मुझे वो मेरे बहुत नजदीक है दिल के, और कुछ और मैं न ले पाया इसका गिल्ट भी अब मुझे थोड़ा रहेगा, और मुझे लगता है आपके लिए वो रिलेवेंट नहीं रहेगा इसलिए अब मैं आगे नहीं बोलूं उस बात में। लेकिन सच तो ये है कि इन सब की वजह से मेरे अंदर वो गुण जो है वो धीरे धीरे आने लग गया। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब एक टीचर का भी टीचर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। अगर एक टीचर का टीचर नहीं हुआ तो फिर वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। मैं हमेशा इस बात को एक अशार जो है, एक शेर, एक कपलेट के रेफरेंस में बहुत अच्छे से कहता हूँ। कोई ऐसे ही नहीं नूर सुखन आया है, कोई ऐसे ही नहीं नूर सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। कोई ऐसे ही नहीं नूर सुखन आया है, ऐसे ही आपके ऊपर डिवाइन लाइट नहीं आती, ऐसे ही आपके ऊपर जो है पाक रोशनी नहीं आती, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। अनलेस यू हैव बीन विथ एंड एट सर्विस ऑफ रियल मेंटर्स, यू कैन नॉट अफोर्ड to say you have grown in stature, and that's why मेरा मानना है कि स्वाभाविक गुण जो है, वापस उसी बात पे आऊं जहां से हम इस तरफ जा रहे थे, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्वाभाविक गुण जो है टीचर का वो ये है कि वो जितना बन पड़े, that's the word, उतना नॉन जजमेंटल रहे। कुछ तो जज करेगा ही वो, इतना तो ऑफकोर्स एज ए ह्यूमन उसको अलाउड है, क्योंकि ये कैसे भूल जाए हम कि एक टीचर जो है वो एक क्रीचर भी तो है, उसके अंदर भी तो वही हार्मोन्स हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसके अंदर भी तो वही मांस मज्जा है, वही फ्लेश एंड ब्लड है, तो कुछ तो ऑफ कोर्स उसको मुझे लगता है भले ही शोभनीय ना हो पर कुछ तो नेचुरल है कि वो ऐसा होगा ही, पर जितना हो सके उसे कम कर सके। मुझे लगता है टीचर जैसा मैंने कहा था ना इनसिक्योर नहीं हो सकता, वैसे ही वो जजमेंटल कम हो तो अच्छा। इसलिए आज का ये सेशन जो है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कभी अपने स्टूडेंट्स को या अपने कलीग्स को देखें तो उनकी पर्सनालिटी को समझने में इस सेशन के इनपुट्स हेल्पफुल हों तो ये सेशन जो है ये अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो जाए। आइए स्टार्ट करें। मैं जानता हूं मैं जो पहला सेशन में जो सुर लगाया था, मैंने हर सेशन का एक सुर होता है, आपने कौन सा सुर लगाया उससे तय होता है। पहले सेशन में जो मैंने सुर लगाया था उस सुर से ये वाला सुर अलग है। अब आप कहेंगे ये अलग है, ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप मेरा पिछला सेशन देखेंगे और ये सेशन देखेंगे तो आपको बड़ा अलग लगेगा। आप कहेंगे आपका सुर क्यों अलग, क्योंकि भाई सुर जो है वो टॉपिक पे डिपेंड करता है ना। मैंने पिछली बार ही आपको कहा था एक टीचर का कोई पर्टिकुलर स्टाइल थोड़ी हो सकता है, उसे तो ऑफकोर्स हमेशा जो है वो टॉपिक और उसके पर्पस, उससे अपनी स्टाइल को डिराइव और डिसाइड करना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा और इत्मीनान से बातचीत करूंगा आपसे, आप में जो लोग आ रहे होंगे जा रहे होंगे उन्हें मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको हक है कि हम क्या तय करें कि हम क्या सीखना चाहते हैं। तो अगर आप बने रहे सेशन में तो मुझे लगता है वो एक मेरे लव और मेरी तरफ ऑफकोर्स वर्कशॉप और यूनिवर्सिटी की तरफ तो साधुवाद रह गई, लेकिन मेरी तरफ भी बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड का रीजन मेरे लिए होगा।
आइए स्टार्ट करें पर्सनालिटी का पहला स्लाइड. पहला स्लाइड है डिस्क्राइबर्स ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी एज अ कॉन्सेप्ट जो है, एज अ कंस्ट्रक्ट जो है, दोनों अलग चीजें हैं. एज अ कॉन्सेप्ट अलग है वो, एज अ कंस्ट्रक्ट अलग. अभी के लिए मैंने उनको ऐसा यूज कर लिया, पर इसका ये मत मानिएगा कि इनका मतलब एक होता है. और इंसान जो रिसर्च से जुड़ा है उसे हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. जिंदगी में बहुत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. शब्द शब्द सब कोई गए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करेगा. आपको ध्यान रखना पड़ता है, और हमारा तो काम ही शब्दों का है. तो एज ए टीचर आपको अपने शब्दों की तरफ बहुत डिस्क्रिशन यानी बहुत विवेक के साथ जो है वो पेश आना चाहिए. आइए पहली बात करें कि भाई पर्सनैलिटी कैसा है कॉन्सेप्ट. तो पहली बात, एज ए टीचर हमें इस बात का इल्म हमेशा रहे, इस बात का बोध हमेशा रहे, इस बात का रियलाइजेशन हमेशा रहे दैट पर्सनैलिटी इज अ मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट. मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट मतलब क्या, आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा. एक बड़े यू नो हॉवर्ड गार्डनर नाम के एक बड़े इंपॉर्टेंट ऑथर रिसर्चर रहे हैं स्पेशली बिहेवियरल साइंस में. तो हॉवर्ड गार्डनर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस का. उनकी एक बड़ी खूबसूरत बुक है, कभी पढ़िएगा, वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड. उसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, ऐसा कहूंगा मैं. ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रोपाउंड किया, उनके पहले भी लोगों ने कहा था. तो जैसा मैंने पिछली बार कहा था ना आपको कि भाई भली वो पॉपुलराइज जो है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो भली पॉपुलराइज जो है वो किया डेनियल गोलमैन ने 95 में, पर उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी. इनफैक्ट आज ही जो है वो हमारे ऑनलाइन जो कोर्स है उसके अंदर हम ये भी सिखाते हैं कि भाई एक्सप्रेशंस कैसे पढ़ना, इंसान के जेस्चर्स पोस्चर से कैसे समझ पाना कि उसका इमोशनल स्टेट क्या है. तो वो ऑनलाइन हमारे ऑनलाइन कोर्स में जो वो पोर्शन जिसके काम पे सबसे ज्यादा आधारित है उनका नाम था ड्यूशेन. आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, ड्यूशेन जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसकी स्टडी में सबसे बड़ा नाम है. और आज उनका जन्मदिन है, उनका बर्थडे है, तो मैं आज वैसे भी थोड़ा इसीलिए खिला खिला घूम रहा हूँ. क्योंकि जैसे हमारे अपने अभी श्राद्ध है ना, तो अब श्राद्ध में जैसे कल मैंने अपनी दादी जी को याद किया, उसके कुछ दिन पहले जैसे मैंने अपने दादाजी को याद किया, उसी तरह से ड्यूशेन को भी मैं याद करके उतना ही खुश होता हूँ. क्यों? क्योंकि ड्यूशेन ने तो मुझे देखा नहीं, मैंने तो ड्यूशेन को देखा है ना. मतलब ऑफकोर्स उनको सामने तो नहीं देखा होगा, लेकिन उनके काम के थ्रू उनको देखा है. तो वो भी तो मेरे पितृ पुरुष हुए ना. क्योंकि मेरा जो डोमेन है, मेरा जो स्पेशलाइजेशन एरिया है, वो मेरा कर्म भूमि तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत ही क्लीशेड वर्ड हो गया है वो. मेरा डोमेन, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है जिस पर मैं काम करता हूँ और जिस पर मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, लिखता हूँ, दरअसल वो मेरे लिए मेरे नमक में आ गया है वो. ये बात मैं कैसे आपको समझाऊं, मतलब मेरे को कहते नहीं बन रहा, पर वो तो मेरे आइडेंटिटी का हिस्सा हो गया है ना. तो मेरे लिए ड्यूशेन भी तो एक पितृ पुरुष है. और वैसे ही मैंने आपको एक बात कही है, अभी कह रहा था जब मैं उस्तादों की, तो न्यूटन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही. चलो वापस आऊंगा न्यूटन आइंस्टीन दोनों के ऊपर कभी बात करूंगा, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत लाइन है जो आपने सुनी होगी. आइंस्टीन ने भी खूबसूरत बात कही, वो लाइन जो थी वो थी, I look tall because I am standing on the shoulders of genius. क्या खूबसूरत लाइन है, सुनिएगा ध्यान से. I look tall because I am standing on the shoulders of genius. हालांकि giants भी बोला है एक जगह पे उन्होंने. तो मैं आज इसलिए आपको इतना लंबा दिख रहा हूं, इतना ऊंचा दिख रहा हूं, क्योंकि मैं दरअसल उन जीनियस, उन जायंट्स के कंधों पे बैठा हूं, वहां पे खड़ा हूं. तो आपको वो नहीं दिख रहे, पर मैं दिख रहा हूं. इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप पीएचडी करते हो, जब आप रिसर्च करते हो, तो अच्छा मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा क्योंकि मेरे मेंटर्स ने मेरी पीएचडी इतनी ग्रिलिंग करके कराई और इतना इतना डिटेल में कराई कि जिसकी हद नहीं. अधिकतर नहीं तो पीएचडी लोगों की शुरू होती है इंस्पिरेशन से और खत्म होती है यू नो किसी मंदिर में मन्नत से, कि बस ये खत्म हो जाए किसी तरह. तो मुझे लगता है कि ये भी देखिए कितनी बड़ी आयरनी, कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान शुरू इंस्पिरेशन से करता है और अंत डेस्परेशन से करे. मेरा मानना है कि ये एक फिर एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है, क्योंकि अच्छे टीचर को दरअसल शुरुआत इंस्पिरेशन से करनी चाहिए और आखिरी तक उस इंस्पिरेशन को बरकरार रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए. आसान नहीं है, पर अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता. ऑफ कोर्स
अच्छा, हर वक्त आसान नहीं है, मेरे लिए भी कभी आसान होता है, कभी मुश्किल हो जाता है, कभी नामुमकिन ही हो जाता है, क्या करें आप, हैं तो हम सब लोग, यू नो, शख्स भी तो हैं, इंसान भी तो हैं। तो वापस आऊं, तो इसीलिए कहते हैं ना कि पीएचडी में जब आप अपनी थीसिस लिख रहे होते हैं, जब आप पूरी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता है स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि आप जो हैं वो जब लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सच में सबसे ज्यादा वही सिखाता है, और वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या जिसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, दरअसल वही तो हमें बताता है कि हम जब जितने ऊंचे दिखेंगे तो हम किन कंधों पर खड़े होकर ऊंचे दिखेंगे। और इसीलिए तो मैं आपको पिछली बार भी, पिछले सेशन में अपने कह रहा था, आपको शायद याद हो, कि एज अ टीचर आपको अपनी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और ह्यूमिलिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी क्या, यानी यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कभी किसी और का क्रेडिट लेना नहीं, क्योंकि उससे अपनी सोल करप्ट होती है, और अपना कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि उससे अपनी इंटेलिजेंस इंसल्ट होती है। और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक इंसान की, जब वो टीचर हो, तो उसकी सेल्फ इमेज बहुत डिपेंड करती है उसके सटल बिहेवियर से जो वो रोज करता है। तो मैं वापस आऊं, अब इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो हमारे को पता चलता है कि हम किसके कंधों पे खड़े हैं। उसी तरह से आज जो है वो, मैं ड्यूशेन तक आया और फिर वापस हार्वर्ड गार्डनर से बात शुरू हुई थी, अब भूलिएगा मत क्योंकि मैं नहीं भूला था, अब वापस हार्वर्ड गार्डनर पे आ जाए। तो गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो थ्योरी हमेशा से ये कहती रही कि हमें अरसे तक ऐसा लगता रहा कि आईक्यू ही है कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं, बुद्धिमत्ता सूचकांक। पर उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स ईक्यू का आया, इमोशनल कोशेंट का, फिर उसको जो है वो मेजर करने की एक नई कवायद शुरू हुई। पर वो इंटेलिजेंस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट, आईक्यू और ईक्यू, इसके बियॉन्ड भी कुछ है, क्योंकि आप किसी की इंटेलिजेंस को सिर्फ किसी एक खांचे में ढाल के या सिर्फ किसी एक सांचे से देखकर आप उसकी सेंटिटी कम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ने में गधा है तो वो किसी काम का नहीं है। अरे आपने ऐसा कैसे कह दिया? हो सकता है पढ़ने में गधा हो तो वो आईक्यू है, आईक्यू का एक हिस्सा जो है वो उसका नहीं चलता ढंग से। पर भाई आपने अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी अगर अभी नहीं पढ़ी हो, पढ़ी होगी ऑफकोर्स वैसे तो, पर अगर आगे और नहीं पढ़ी हो तो अच्छे से पढ़िएगा। उसमें तो भाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस है, काइनेस्थेटिक है, दुनिया भर की चीजें हैं ना। हो सकता है वो डांस में अच्छा हो सकता है वो गाने में अच्छा हो सकता है वो लोगों से व्यवहार करने में अच्छा हो सकता है उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब आप अगर जाएंगे किसी भी जंगल में और वहां पर जंगल में जो वहां के नेटिव पॉपुलेशन है, आदिवासी कहना मुझे बहुत सही नहीं लगता, पर मान के चले अभी के लिए वो वर्ड ले लें हम कि वो नेटिव पॉपुलेशन ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। आप किसी एरिया में गए, बहुत ही रिमोट एरिया, और जो है वो किसी जंगल की तरफ गए और वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन है जिसे आप अभी के लिए आदिवासी कहें, तो वो आपको कहीं से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा लिखा भी नहीं है। लेकिन उनको जो है वो कोयल की आवाज से समझ में आ जाता है कि जिस तरफ वो जा रहे हैं उस तरफ वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको पत्तों की सरसराहट से समझ में आ जाता है, उनको जो है वो हवा में ऐसा उड़ाते हैं वो मिट्टी, और उनको समझ में आ जाता है कि अभी नॉर्थ कहाँ है। उनको जो है वो, उनके अपने कंपास हैं, वो जब पानी में हाथ डालते हैं तो समझ जाते हैं कि करंट किस तरफ जा रहा है और उनको क्या करना चाहिए। मुझे तो सबसे ज्यादा इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा कि मैं जब अपने एक, जैसे पितृपुरुष की हम बात करते हैं ना, तो अपने एक यू नो, जिनको हम लोग दादाजी कहेंगे, ताऊ जी एक तरह से घर के बड़े होते हैं ना, तो उनके साथ एक बार, मैं अभी कुछ बरस पहले की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें जो है वो दिखाऊंगा अपने, अपना जो नेटिव विलेज है उसकी सारी कहानियां सुनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे बाद जो है वो कोई समय सुनाने के लिए बचे ही नहीं। तो मैं, मुझे आज भी आता है, मैं पूना में फोर्स मोटर्स के साथ 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करके वापस आया था, और आके दूसरे दिन 2 अक्टूबर था, और फिर 3 अक्टूबर को मुझे उनके पास जाना पड़ा था और वो मेरे को साथ लेके चले गए। तो आपके, देखिए क्या नेचुरल इंटेलिजेंस का एग्जांपल देता हूँ आपको, आप कहेंगे बड़े यू नो आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई घर वाले लोग हो। तो मुझे, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इससे बड़ा सुख क्या है कि हम एज टीचर्स जो है वो अपने कुनबे के साथ बैठ के
नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वैसे भी कौन आजकल बैठ के बात करता है? अली सरदार जाफरी का बड़ा खूबसूरत शेर है ना, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले और फिर सुबह तलक शाम में मुलाकात चले। थोड़ा ब्रंच कर दिया मैंने उसका। तो गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले और फिर सुबह तलक शाम में मुलाकात चले। अब कहाँ चलती है शाम में मुलाकात सुबह तक, और जो चलती है उसमें भी लोग पीना पाना करते रहते हैं। फाइनली हुआ क्या, आपने अचीव क्या किया? खैर उस पर भी मैं आऊंगा, मैं जानबूझ के बात निकाली थी, रुकेगा। सो बात कर रहे हैं इसलिए मैं अब आपको बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहा हूँ जैसे कोई अपने अपनों से बात करता है। तो उनके साथ जब मैं गया तो उनके खेत में जब हम जा रहे थे, तो अब मैं जो हूँ वो अधिकतर मेरी जो परवरिश है वो शहर में ही हुई है। तो जब चल रहा था तो बड़े बड़े वहां पे जो है वो सब खेत में पौधे रहते हैं, ऊपर आप चल रहे होते हैं। तो चल रहा था मैं, वो मेरे आगे चल रहे थे, उनकी एज उस टाइम 89 थी, अब तो वो नहीं रहे। और वो सही थे, उन्होंने कहा था कि पता नहीं फिर मैं रहूं ना रहूं तो तुम्हें बताऊं, बताएगा कौन तुम्हारे उसके बारे में, पूरा इतिहास के बारे में, तुम्हारे अपने परिवार अपने पुरखों के। आई एम ग्लैड उन्होंने बताया, और मुझे उससे अपने आप को समझने में बहुत जो है आसानी हुई। ये भी मैंने क्यों कहा बताऊंगा। तो जब उनके खेत में हम चल रहे थे, तो चलते चलते उनका जो बटाईदार होता है, आप में से कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, बटाईदार यानी जो कि आप जिसके साथ आप खेत का काम शेयर करते हैं, आप पैसा लगाते हैं और वो खेत का ख्याल रखता है, और फिर ऑफकोर्स उसकी फसल का और उसका पैसे का बंटवारा कैसे होता है वो डिपेंड करता है। तो वो आगे के चल रहा था, वो बीच में चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। अब मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कि भैया, वो बटेदार से पूछ लिया मैंने, भैया यहाँ सांप वाप तो नहीं है? कहता हाँ दो बड़े बड़े सांप हैं। तो अब जैसे ही उसने बोला तो मेरे को तो अब यकीन मानिए, आप फाइनली कितने भी मेच्योर बने हैं आप उतना तो नहीं समझ सकते अपने आप को, जो एक खेत में रहने वाला जो जो हिम्मत रखता है वो तो आप नहीं रख सकते। तो मैं थोड़ा घबराया, मैं थोड़ा तेज चलने लग गया। तो कहता अरे नहीं 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 धीरे धीरे चलो। तो मैंने कहा धीरे धीरे क्यों चलूं? कहता अगर तुम धीरे धीरे चलोगे ना तो उसको आहट पहले मिल जाएगी और वो हट जाएगा रास्ते से, अगर सांप होगा तो। अगर तुम तेज चलोगे तो उसके अंदर जो है वो, उसको ऐसा लगेगा उसकी तरफ को जा रहा है, तो वो भागेगा नहीं, वो दरअसल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं ना, वो फ्लाइट नहीं करेगा, वो फाइट करेगा, तो वो आपको काटने की कोशिश करेगा। आप धीरे धीरे चलो, उसको समझ में आ जाएगा, आहट वो निकल जाएगा। मैंने कहा क्या लॉजिक है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। अब देखिए क्या गजब की समझ है, ऐसी समझ मुझे कभी ना आए। पर हाँ, ऐसी समझ एकमात्र तरीके की समझ नहीं होती ना, बहुत अलग अलग तरीके की होती है। हमारे फन अलग अलग होते हैं, और हमारा फन जो है वो कफन तक हमारा साथ देता है। अब मेरा फन जो है वो मैंने जो है जिसको कहता हूँ स्पॉट कर लिया, कई लोग नहीं कर पाते। पर एज अ टीचर आपका काम है कि आप जब एक स्टूडेंट को देखें या एक पर्सन को देखें तो ये देखें कि उसके बहुत सारे फेसेस हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही तरफ है। यहाँ फेसेट्स बोला मैंने, फेसेस गलत से अगर बोल दिया हो या सुन लिया हो तो गलत, फेसेस और कहीं आएंगे, फेसेट्स हैं, उनके अलग अलग डायमेंशंस हैं उस इंसान के। तो कभी भी उसको लेके जजमेंटल मत रहिएगा जिंदगी में, कभी ये मत कहिएगा कि यार ये तो ऐसा है, नहीं उसके अलावा भी उसके फेसेट्स। हो सकता है वो संगीत में अच्छा हो सकता है, खेल में अच्छा हो, हो सकता है वो लोगों से व्यवहार में अच्छा हो तो अच्छा शायद बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या सेल्फ एम्प्लॉयड बने, बहुत सारी चीजें। तो एक तो मल्टीफेसेटेड होती है ये जो पूरी पर्सनैलिटी की कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा वो मल्टी लेयर्ड होती है। अब मल्टी लेयर्ड का क्या मतलब वो भी आपको बताता हूं। मल्टी लेयर्ड का मतलब है, देखिए निदा फाजली जो एक बड़े बड़े अजीम शायर रहे और अब तो नहीं है, निदा फाजली का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो है हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलना है कई बार मिलना है। फिर से कह रहा हूं, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलना है कई बार मिलना है। तो इंसान में इतनी लेयर्स रहती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब अगर मैं आपको न्यूरोसाइंस की तरफ ले जाऊं तो पॉल डी मैकलीन बहुत बड़ा नाम रहे, उनकी जो थ्योरी है ट्राइन ब्रेन का कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि हमारे ब्रेन के दरअसल तीन हिस्से हैं, है ना, तीन पार्ट्स में या तीन लेयर्स में हमारे ब्रेन को देखा जा सकता है। वो जो तीन लेयर्स हैं वो दरअसल इवोल्यूशन के साथ जो है वो आगे बढ़ी, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि हम सब लोग फाइनली हैं तो जानवर ना, तो हम सोशल एनिमल्स कहते हैं पर हैं तो एनिमल्स हम। तो उनके हिसाब से, और ये ऑफकोर्स प्रूवन भी है, कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर का जो हिस्सा है जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, जिसे आर कॉम्प्लेक्स, रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स, लेकिन मैंने कहा था मेरा काम न्यूरोसाइकोलॉजी में ज्यादा है। मुझे खुशी होगी अगर आप यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप पत्रेट सोशल एजेंस पे जाके, वो तो फ्री है, आप कोर्स करने के लिए तो पैसा लगेगा, पर ये तो फ्री है ना, ये तो आप देखिए ना। मुझे मालूम है उतना एंटरटेनिंग ना हो शायद, लेकिन आपको जरूर एनलाइटन करेगा, इसका मुझे यकीन है,
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैंने काफी सारे लोगों के काम को वहां पर जो है वो समेटा है और फिर वापस से दिया है। तो आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो पोर्शन है यहां से हमारा जो है वो सर्वाइवल फंक्शंस जो है वो इंश्योर होते हैं ठीक ऊपर। तभी आपको याद होगा ना, ये बात रिसर्चर्स ने बाद में पता लगे, पहले नाना पाटेकर ने लगा ली थी, शायद आपको याद हो, आपने वो फिल्म देखी हो जिसमें वो क्रांति भी है, जिसमें वो परेश रावल को कहता है ये धनिया यहां मत मारा कर, यहाँ छोटा मगज होता है। तो आपको क्या लग रहा था मजाक की बात है? नहीं, यहां लगे ना तो इंसान के मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। याद कीजिए क्रिकेटर फिल ह्यूज, जो कि पिच पे ही जो है वो जिसको बॉल लगी थी आपको याद होगा, और फिर उसकी डेथ हुई, तो कहां लगी थी? यहां। तभी तो आपने देखा होगा आजकल के जो हेलमेट्स हैं क्रिकेटर्स के, वो यहां से ऐसा एक नई उन्होंने लेयर लगाई है ताकि वो उस पोर्शन को जो है वो सेव कर सके। कई लोगों में इतनी अक्ल होती नहीं, वो जो है वो लगा लेते हैं हेलमेट, और ये वो जो हेलमेट का वो आता है बकल, वो लगाते ही नहीं है, और जब वो गिरेंगे तो क्या होगा? हेलमेट तो हटेगा ना, तो हेलमेट हटेगा तो क्या होगा? हेलमेट कायदे से अगर वो रहेगा यहाँ पे बंधा हुआ तो हेलमेट पीछे की तरफ जाएगा और उस पोर्शन को कवर करेगा, तो वो ये भी नहीं सोचते तो हेलमेट क्या होता है? हेलमेट किसी काम का ही नहीं आता। अब कोई कैसे बताया कि अगर बकल नहीं लगा हो तो हेलमेट किसी काम का नहीं? बट देन ऑफ कोर्स एज आई सेड, हम में से अधिकतर लोग इतना डिटेल्स में जाना पसंद ही नहीं करते, बट गॉड लाइज इन डिटेल्स। अब वापस हम इस बात पर, तो पॉल डी मैकलीन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो है ये हमारे सर्वाइवल फंक्शंस का सेंटर है, यहां से सांस लेना, धड़कन, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पांस, हमारा जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल, जो भूख, इवन सेक्स, और इसके इधर आसपास देखें तो सेरिबेलम भी आ जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो भी, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ आ जाती है। उसके बाद की जो लेयर है वो इमोशंस की लेयर है, लिम्बिक सिस्टम जिसको कहते हैं। हालांकि लिम्बिक सिस्टम एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा चैलेंज्ड रहा है, पर ऐसा मान लीजिए यहाँ से सर्वाइवल फंक्शंस है, यहाँ से इमोशनल फंक्शंस है, और सबसे ऊपर की जो लेयर है ना हमारा ये वाला हिस्सा जो है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी इंटेलिजेंस यहाँ से आती है, कॉर्टेक्स से जो ऊपर की लेयर है, और कॉर्टेक्स में भी स्पेशली ये जो ये वाला एरिया है ना हमारा, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसमें भी ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे आंख के जो ये वो है ना सॉकेट, उनके पीछे का जो इलाका है, एरिया है ब्रेन का, उसे कहते हैं ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो वहां से जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस आती है, जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो आप अगर पूरे मस्तिष्क को देखें, मैं मन को नहीं कह रहा हूं, कि मन माइंड है, मस्तिष्क ब्रेन है, दोनों में फर्क है, मैंने पिछली बार भी कहा था आपको, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, मस्तिष्क हार्डवेयर, माइंड सॉफ्टवेयर, दोनों में फर्क है, और दोनों की समझ बहुत जरूरी है इंसान को खुद को समझने में और बाकी लोगों को। तो ये जो हिस्सा है ना हमारा, हमारे पूरे ब्रेन का सिर्फ 4% हिस्सा जो है हमको ह्यूमन बनाता है, सीरियसली सिर्फ 4% हिस्सा। तो वो 4% हिस्सा जो वॉल्यूम में है वहां से हमारी इंटेलिजेंस आती है। अब आप कहेंगे ये सब हमें क्यों सुना रहे हो? अरे लेयर्स है ना, देखो तभी तो आपने ध्यान से देखा होगा, ये रही एक लेयर, फिर ये, फिर ये, सर्वाइवल फंक्शंस यानी सिक्योरिटी, इमोशंस, इंटेलिजेंस। अब आप मल्टी लेयर्ड लोग कैसे होते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना हो, मैं जानता हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, और मैं चाहता था कि रिकॉर्ड पे ही बोलूं ये बात। आपने कभी देखा नहीं लोग जब शराब पीते हैं तो बदल जाते, कई बार लोग शराब पी के इंग्लिश बोलने लगते हैं, कई बार शराब पी के इमोशनल हो जाते हैं, कई बार शराब पी के अपना आपा खो बैठते हैं, कई बार शराब पी के अपना कैरेक्टर लूज कर जाते हैं, और इसीलिए अधिकतर क्राइम्स के बिहाफ पे आपको जो है वो शराब मिलेगी। आपने पढ़ा होगा, जब कभी आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में तो लिखा होगा कि उन्होंने लूट करने से पहले साथ बैठ के शराब पी या कोई नशा किया। ये नशा और शराब करता क्या है, कभी आपने सोचा? दरअसल ये इमोशंस पूरे टाइम ऊपर बॉटम अप इम्पल्सेस भेजते रहते हैं पूरे टाइम, रहने दो, मत बात करो, चले जाओ यहां से, मत सुनो ये सेशन, है ना? आपने सोचा नहीं होगा ना ऐसा, अंदर से ऐसा कई बार ऐसा वो आता है, पूरे टाइम उबाल आता रहता है, बंद कर दो ये सेशन, क्यों इतना ज्ञान बांट रहा है ये आदमी, बंद कर दो इस सेशन को, आपकी इच्छा हो रही होगी अंदर से। होते ना लोग कहते हैं छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो नौकरी, छोड़ दो नौकरी, फिर ऊपर वाली लेयर कहती है तो फिर ईएमआई कौन भरेगा, ईएमआई कौन भरेगा, ईएमआई कौन भरेगा। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है इंटेलिजेंस की, ये अंदर के इमोशंस को लगातार क्या करती रहती है, बॉटम अप इंपल्सेस को टॉप डाउन कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करती रहती है ना? तो ये जो ये वाला तरीका है, ये जो आई इंपल्स और ये रोका, ये हमारे अंदर पूरे टाइम चलती रहती है। तो ये जो लेयर्स है ना, जब लोग शराब या कोई नशा करते हैं तो ये ऊपर वाली जो लेयर है, इंटेलिजेंस वाली लेयर जिसको हम सोशल लेयर कहेंगे, इसका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है और बॉटम ऑफ इंपल्सेस बढ़ जाती है और बाहर आने लग जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंसान के अंदर की जो लेयर होती है वो बाहर आती है। कई बार तो मैंने देखा है लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि जब तक हम इस तरह का कुछ ना करें तब तक हम सच भी नहीं बोल पाते,
तब तक हम अपनी भावनाएं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब आप देखिए क्या, कितनी बड़ी विडंबना और कितनी बड़ी, मैं कहूंगा कितना कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारी एज अ सोसाइटी, एक समाज की तरह, कि हमको दिल खोल के बोलने के लिए भी शराब पीनी पड़ती है। कैन यू इमेजिन व्हाट एन इडियोटिक यू नो सोसाइटी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। और इसके पीछे हम टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमने भी शायद एक जनरेशन को शायद समझाया नहीं कि उसे अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए। हमने समझा दिया कि फंड कैसे मैनेज होता है, हमने समझा दिया मीडिया कैसे मैनेज होता है, हमने समझा दिया रिसोर्सेज कैसे मैनेज होते हैं, हमने समझा दिया मटेरियल कैसे मैनेज होता है, हमने ये तो समझा ही नहीं कि हम खुद कैसे मैनेज होते हैं। मुझे बताइए, आज मेरे को आपको बताना पड़ रहा है कि आप जाइए और वीडियोस देखिए जहां ब्रेन की समझ आपकी विकसित होगी, वरना कौन बताता है हमको? बताइए हम कहां ब्रेन की समझ में जाना चाहते हैं? हम तो बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि इंसान बड़ा तब नहीं होता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए, इंसान बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाए। जिसने भी ये लाइन कही बड़ी खूबसूरत बात कही। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों को समझने की काबिलियत इंसान को बड़ा बनाती है। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए इंसान को बड़ा होने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में जितने छोटे लोग हैं सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जितने बड़े लोग हैं सब छोटी छोटी बातें समझते हैं। और हम में अधिकतर लोग शायद ये कॉन्सेप्ट ही भूल गए। तो वापस आए तो जो ये लेयर है, अभी तो कहते हैं ना, वो एक खूबसूरत शेर है जो ऑफ कोर्स मैं तो व्हाट्सएप पे कभी रहा नहीं। अब आप कहेंगे आप व्हाट्सएप पे नहीं है, हाँ मैं तो कभी रहा ही नहीं और हूँ भी नहीं। कंचन जी को भी थोड़ा सा शुरुआत में जो है वो प्रॉब्लम हुई थी, मैंने कहा था व्हाट्सएप पे हुई, आपको ईमेल किस पे मुझसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा फोन पे। अब उसका रीजन ये था क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा काम तो गहरा है ना, मुझे तो आप मुझे इसलिए थोड़ी सुन रहे हैं कि मैं फेसबुक पे हूँ। ऑफकोर्स मैं फेसबुक पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, जवाब भी देता हूँ मैं आप अगर मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो। लेकिन मैं कुछ देर के लिए आता हूँ, अपना काम करता हूँ, निकल जाता हूँ और रोज पोस्ट करता हूँ, रोज वीडियोज रोज ब्लॉग्स, रोज कुछ थॉट, ये सब करता हूँ। पर मैं आप मुझे इसलिए थोड़ी सुन रहे हैं क्योंकि मैं फेसबुक पे हूँ, आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अक्सर मेरा फेस एक बुक के सामने होता है। ये मेरी ओरिजिनल लाइन है, आप अपनी फेसबुक पे अपने नाम से मत छिपिएगा। जस्ट जोकिंग, ऑफ कोर्स यू कैन। सो माय पॉइंट इज कि आप मुझे इसलिए थोड़ी सुन रहे हैं कि फेसबुक पे हूँ, आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मेरा फेस एक बुक के सामने होता है। तो अगर मैं वापस आऊं तो मैं कहूंगा कि वो व्हाट्सएप पे मैं भले ही नहीं हूं, पर व्हाट्सएप पे एक शेर बहुत चला था, देखा मैं भूला नहीं मैं कहां से आया था। वो शेर जो है वो बड़ा खूबसूरत था। वो शेर था, कभी अगर बैठ कर खोल दिया होता यारों के साथ तो न खोलना पड़ता डॉक्टरों को औजारों के साथ। कभी अगर बैठ कर खोल दिया होता यारों के साथ तो न खोलना पड़ता डॉक्टरों को औजारों के साथ। किसकी बात कर रहे हैं? दिल की, हार्ट की। अगर दिल खोल कर आप किसी से बात कर रहे हैं, वो लेयर जो नीचे की है उसको बाहर निकालें आप अपने कुछ ट्रस्टेड लोगों के साथ और सामने, तो वो लेयर जो है बाहर निकलती है। क्योंकि आप एज अ पर्सनालिटी आपकी लेयर्स हैं, आप सिर्फ ये लेयर थोड़ी है, नीचे की लेयर भी आप ही हैं। एग्जैक्टली इसलिए जैसे आप हैं वैसे ही सामने वाले की भी तो लेयर्स है ना। तो कभी मत सोचिए कि वो जो दिखता है वो होता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप कभी ये नहीं सोचते कि जो आपको दिखता है वो होता है। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रियलाइज बट इट्स क्रूशियल टू अप्रिशिएट दैट people have layers, their behavior comes from different layers, and that's why it is extremely important for a teacher to be more appreciative and respectful towards multi-layered concept of personality. aur agar aap ye appreciate karte hain to aap kabhi bhi kisi ko leke judgmental nahi honge. kai baar to when you will discuss with somebody for 1 hour, for first 15 minutes that person will try to manage impressions, but as the time will pass with passage of time, if you stay in the conversation you'll realize that there are more layers which are you know getting peeled off, and then you will come to know the real person. And that's why it is extremely important that you remember that personality is a multi-layered concept, not just multifaceted but multi-layered concept. And there comes the third concept, multimodal concept. I'll you know share a very interesting experience that I had. In fact, not I had, but someone shared with me. I still remember one of our clients, there was a company and there was this HR manager of that company. He shared that, you know, I went to a nursery school interview. There was a time when there used to be nursery school interviews. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को याद होगा, अब तो जो है वो कोर्ट ने मना कर दिया, वरना पहले जो है वो they used to be this, you know, जिसको मैं कहूंगा प्रथा,
that you were supposed to go with your kid, and a teacher, you know, more often than not a principal, would take an interview. So that interview would be very, I would say, very, you know, ridiculous. Why? Because he or she would try to assess a child's personality and as well as, you know, parents' personality. You must have watched that movie, Hindi Medium, isn't it? So that teacher or principal would try to assess this kid's personality in a conversation of 10 to 15 minutes. So that HR manager, the one I'm talking about, he shared something very interesting with me. Unhone kaha ki, Dr. Atre, when I went with my kid, my daughter, to this nursery interview, pehle ki baat hai. He said, उस टाइम तो डॉक्टर अत्रे शायद मैं नहीं था, उन्होंने संदीप जी कहा होगा. उन्होंने कहा, संदीप जी, जब मैं when I went there, so that principal asked all sorts of questions. What do you call this color? You know, what do you call this? What comes after, you know, this number? And who's this animal? And all that. And then he shared that my daughter, who was an absolute chatterbox at home, she did not say anything. She was absolutely numb, absolutely mute. And she said, I mean, he said, she wouldn't utter a single word. Ek ladki, ek bachchi jo hai, wo ek baat nahi boli. So then he said that I, along with my wife and of course my daughter, when we got out of the office, I almost, you know, scolded my daughter and said, you are an absolute chatterbox. Throughout the day, we ask you to not speak much so that at least we can focus on something else. And you did not say a single word. Tumne kuch bhi nahi bola wahan pe, jabki tumko sab aata hai, aur tumne kyun kuch nahi bola? Can you imagine? His daughter said, unhone pucha, kyun nahi bola unke samne? And she said only one line, and the line was, I didn't like the auntie. Can you imagine? She said, I didn't like the auntie. Mujhe auntie pasand nahi hai, isliye maine nahi bola. Now, can you imagine? Because she did not like auntie, of course, principal, that's why she did not say a single word. So multimodal means you always regulate which part of personality to be presented at what time. Isn't it? Modes hai na alag alag. मैं कौन सा मोड कहां लगाऊंगा, कौन सा कहां लगाऊंगा. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ऑलमोस्ट एवरी किड नोज दैट इफ यू नो शी इज टॉकिंग टू हर फादर एंड शी वांट्स हर फादर टू डू समथिंग और बाय समथिंग फॉर हर, देन शी वुड ऑलवेज यू नो टिल्ट नेक लाइक दैट व्हाइल मेकिंग दैट रिक्वेस्ट. यू नो शी वुड से, यू नो, डू समथिंग लाइक दैट, प्लीज ना पापा, प्लीज ना पापा. ये नॉन वर्बल बिहेवियर में आता है. Because the moment she does that, please na papa, the parental instinct inside you, that comes to fore. Why? The reason is pretty simple. Because you then connect that girl to the girl who would always be here, you know, with her head on your shoulder. And that gives you a sense of deja vu. And you say, oh, this is the same girl. I'll do anything for her. Because parental instinct is amazing, isn't it? तो ये देखिए, वो एक बच्ची को पता होता है कौन सा मोड करना है. उसी तरह से अ बॉय वुडंट डू द सेम विद फादर, अ बॉय वुड डू द सेम विद मदर एंड ही वुड से प्लीज ना मम्मा, एंड मम्मा वुड डू दैट फॉर यू नो. सो देयर आर मल्टीपल मोड्स, सो नेवर थिंक दैट द पर्सन हैज ओनली वन मोड. ओके, नेक्स्ट. इट इज अ मल्टीफेरियस कॉन्सेप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीफेरियस? मल्टीफेरियस मीन्स दैट देयर आर मेनी टाइप्स, देयर इज नो वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी. I know you have 16 PF and all other factors and all other tests, psychometric, psychological tests that, you know, somehow promise that they'll tell you something about your personality. And they're very, very correct in making that claim, because yes, they do. No doubt about that. But my point is that they can never tell every part of your personality. They can only tell the kind of person, the type of personality on the basis of the remarks that they elicit out of you. Isn't it? And if they do not invoke a certain question
that invokes a particular part of your personality, it will never get manifested or represented or assessed in that personality test. And that's why I have nothing against personality tests, but I think as a person, who comes from a background of management as well as psychology, I have my reservations towards the utility of tests in knowing oneself and someone else. I do not say that it is entirely useless, and I also do not say it is entirely, all important and authentic. I think it is somewhere in between, just the way most of things are in life. So when I say that personality is a multifarious concept, I mean there are multiple types of personality. Aap ye nahi keh sakte dono ek jaise hain. In fact, ek famous psychoanalyst hain, jo mere favorite psychoanalysts mein se ek hain. Unka naam hai Dr. Salman Akhtar. आप में से कुछ लोग जो फिल्मों से और साहित्य से परिचित हैं, आप लोग शायद क्यों ऑलमोस्ट पक्का जानते होंगे जावेद अख्तर का नाम. तो डॉक्टर सलमान अख्तर जो इस दुनिया के टॉप 10 साइको एनालिस्ट में से एक हैं, इज यंगर ब्रदर ऑफ रियल यंगर ब्रदर ऑफ जावेद अख्तर साहब. तो सलमान अख्तर जो है वो डॉक्टर सलमान अख्तर वो फरहान अख्तर के चचा है. इज अमेजिंग मैन. And one of those people whom I've always followed, apart from of course many others. Dr. Salman Akhtar says something extremely important. He said, no two siblings are ever born in the same family. I repeat this line. No two siblings are ever born in the same family. Yani kabhi bhi do bhai behan ya bhai bhai ya jo bhi behan behan hai. वो कभी भी सेम फैमिली में बॉर्न नहीं होते. आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे? अरे वो याद नहीं आपको बुद्धिज्म की एक लाइन थी दैट यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर. इसका क्या मतलब था? व्हेन दे से यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, दैट मींस दैट बिकॉज रिवर इज इन अ फ्लो, सो व्हेनेवर यू पुट योर फुट इन द रिवर वाटर, बाय द टाइम यू टेक इट आउट एंड पुट इट अगेन, ऑफकोर्स द रिवर हैज चेंज्ड बिकॉज रिवर इज फ्लोइंग. Similarly, no two siblings are ever born in the same family. It means that when first child is born, the family is different. There are two of them, mother, father, and child. But when child came, there were just two. But when the other child comes, there are three people already in the house. Equations have changed. Samikaran badal gaye, isn't it? And that's why you can never say dono ek jaise hain. Why? It's amazing variability that personality as a concept has. So never say this ki koi ekdam same hai. Aap pata lagaiye, nuances ek bada khoobsurat word hai English mein. Nuances means finer shades of difference, and that's why it is important for a teacher to get into nuances. And last but not the least, personality as a concept, it is multiplicative, and I could have easily said additive, but it is not additive, it is multiplicative. Why multiplicative? Because every experience shapes you. You are never the same again after any experience. Never the same again. And that's why I always tell people that please understand that human beings are processes. They're not events. Human beings jo hain, wo ghatnaye nahi, prakriya hain. Ab agar wo ghatna nahi hai, prakriya hai, matlab wo events nahi, wo processes hain, they keep changing. And that's why people change all the time. So you can never really say that I know a person and I've always known a person. No, you have never known a person. You can know a person only when you know the person all the time, and that is just not possible. Or the only way to know a person is to keep track of the progression in that person's personality. So if you would have met me, say, 2 years back, or if you would have, heard me 3 years back, and if you're hearing me today, then believe me, you'll find that I've actually changed. Okay, my character, my values, my ethics might not have changed, because of course, every changeable has to be based on something unchangeable, isn't it? So people who change well normally have a very strong unchangeable at the root. I repeat this. People who change well normally have something very strong, unchangeable at the root, at the base. So agar aapke values bahut unchanged hain aur achhi hain, to aap bahut sari cheezon mein change kar jaoge aur life mein koi bahut zyada problem aayegi nahi. Sorry, but Kanchan ji has said that I should use more of English, and believe me, I love this language, English, but because
our prior discussion was about speaking in Hindi. So, and Hindi, of course, I'm in love with Urdu. I'm in love with. I'm slightly caught in between. I'll try to make sure that I speak more in English, but then I am now missing or beginning to miss Hindi and Urdu, both of them. It's amazing, isn't it? These languages are beautiful. These languages are, oh my God, they're amazing. जैसे उर्दू की अपनी ब्यूटी है, आहिस्ता गजल कहना, ये रेशमी लहजा है, खुशबू की कहानी है, तितली की जुबानी है, इतनी महीन होती है, इतनी अमेजिंग होती है. वैसे इंग्लिश की अपनी ब्यूटी है. किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे, बट देन लेट्स कम बैक. सो मल्टीप्लिकेटिव मीन्स एवरी एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी फॉर गुड. फॉर गुड मतलब, फॉर गुड का मतलब होता है इंग्लिश में हमेशा के लिए. फॉर गुड का मतलब ये नहीं होता है कि बेहतर के लिए, है ना. So for good means, of course, for better as well as for good. Ab better ya worse to mujhe nahi pata, but for good wo aapko badal deta hai. So an experience changes you, and that's why a personality is a multiplicative concept. I hope now you have understood personality in a better way. So I'll revise that personality is a multifaceted, multi-layered, multifaceted, multi-layered, multimodal. Multimodal means you always choose when to use which part of personality or which when to show which part of your personality. वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है ना, गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे. गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे. So by giving me one heart, God has actually granted me a myriad of emotions. By giving only one heart, God has given me a palette of emotions which has sadness, which has fear, which has greed, which has negotiating power, and all of them in the same heart, of course, in terms of brain, in the second part of second layer, that is limbic system. So you can never say neuropsychology, you can never say I love you from the depth of my heart. You can only say I love you from the second layer of my brain, that is limbic system. Doesn't sound romantic, but I can't help it. Okay, now let's come back. So, describers of personality, we've already discussed multimodal, then multifarious. There will always be multiple types. And then multiplicative. It changes you for good. Every experience. And that's why you have to understand that my personality is a dynamic concept. It is not a static concept. You can never say you know a person. Okay. In fact, the other day I was taking this session for a company. And the first thing I said, no, not company. I mean, I was taking the session for a set of parents. And I said, and the topic was, emotionally intelligent behavior between young kids and parents. This was the topic. And I was talking about this amazing interview that I had watched. And that interview was of Ellen Mittal. I'm sure you know Ellen Mittal. And Ellen ArcelorMittal, the company. So Ellen Mittal, Aditya Mittal, his son, is the CFO of the company that, of course, Ellen Mittal has run for all these years. So I still remember an interview in which both of them were present. And just imagine if your son is your company CFO, then you have to listen to him a lot, isn't it? So the interviewer asked Ellen Mittal, what is the secret of managing this father-son equation when actually it is a CEO-CFO equation? So Ellen Mittal said something extremely important. He said, the only secret is every time I listen to Aditya, I have to forget that this is the same kid I have seen in diapers. Just amazing, isn't it? Every time I listen to Aditya, I have to forget that this is the same kid I have seen in diapers. Otherwise, you have to think, why? You are in my hand. Where did you show so much hoshiyari? Why do you think about it? You can't say that. Because it's a multiplicative concept. It changes you, and you change all the time. I hope this slide has given you perspective on how important it is to not be judgmental. I'm not sure if I've succeeded entirely in my pursuit or in my endeavor, but I'm sure I have reached at least to some extent, which I think as a teacher is pretty reassuring that at least you are doing something which is of value at some point of time. Now let's come to the second slide. Second slide, you can read it. We are talking about now. Now we are talking about determinants of personality, not just describers of personality. So whenever you talk about determinants of personality,
whenever you meet somebody, say a colleague in organizational behavior context or a student in teaching context, in education context, whenever you come across somebody, then please remember that whatever he or she is, isn't only the fault or feature of that person entirely on his or her own. Okay. So there are many other factors which combine to create a creature. And that's why it is important that you are at least mindful of what all would have gone behind the making of this individual. And let's talk about that in last, you know, we have got what, almost 20 minutes. Okay. The first thing is genes, undoubtedly. In fact, believe it or not, but genes are extremely, extremely relevant. Epigenetics is an important field. क्योंकि आप में से कुछ लोग जो अगर फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है वो जेनेटिक्स में, स्पेशली जीन्स की बात करें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनी गुड डॉक्टर, मान लीजिए आप उसके पास अपना जख्म लेके गए, एंड एनी डॉक्टर व्हेन ही लुक्स एट द वुंड और शी लुक्स एट द वुंड, ही वुडंट आस्क यू, यू नो, फर्स्ट क्वेश्चन ही वुडंट आस्क, आई मीन हाउ डिड यू कैच दिस और हाउ डिड यू, यू नो, गॉट, हाउ डिड यू गेट दिस. He or she would ask, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज तो नहीं, you know, does diabetes run in your family? Because the way that wound will heal will depend not only on what caused it, but on the basis of what is inside you. तो अगर आपको डायबिटीज आपके उसमें कहीं रहा होगा तो वो अलग तरीके से wound heal होगा. So your body has, because your body hosts the wound, isn't it? And that's why more than one, it is important to know the body, the host. And that's why, do you think diabetes runs in family? No, not only diabetes, depression runs in family. What do you call it? It's a wonderful word for it. Not a wonderful word, but there's a word for it. Marriage loyalty, they call it. Fidelity. Yeah. Fidelity runs in your family, in genes. Depression runs in genes. Attention span runs in genes. Not only diabetes or BP or, heart problems or all these things. I mean, a lot runs in your genes. And that's why I always tell people, I mean, this is for you. I always tell people that parents are not only supposed to be loved and respected, but they're also supposed to be observed and analyzed. If you can observe your parents well, you can actually do a lot of things to offset or prevent the problems that you will come across at some point of your time. But the problem is we are so, hell-bent on only respecting and loving our parents, but that we do not observe, that we do not analyze. You know, anger runs in family. Seriously, you'll be, you know, surprised. But, pathology, a lot of pathology runs in family. Pathological anger has roots in genes. And of course, it is not something that is, entirely there. But it is, a part of it is always inherited from there. So genes. Second, upbringing. Yes, the way you have been brought up shapes the way you look at the world. I'll give you a very simple example of it. Any child whose parents were extra vigilant towards the surroundings and who did not let that child go to any relative's lap, or who did not allow child to roam around freely within a secure, safe space and do his or her own thing, any hyper-vigilant parents, they kind of, scar that kid forever, because that kid grows up believing that world is not a safe place to be. And that is such a bad schema. You know, psychological word is schema. Schema is, your patterns of thinking. So it is a bad schema to have, that world is not a safe place to be in. And if you grow up believing that way, believe me, you'll find it very difficult to make friends. You'll find it very difficult to trust people. You'll find it very difficult to confide. You'll find it very difficult to collaborate, to coexist. It will be very difficult for you. And then the same parents who have actually dented your personality right at the outset, they blame you for it. But that doesn't mean that you go back and you start blaming your parents for all problems that you've got. Of course you can't.
because I think they were also, they would always say, what could we do? We also inherited the same trait from our parents. So I don't think it is a very good idea to keep, you know, blaming your ancestors for your flaws. But it's important to realize that, yes, it also plays a part. And that's why whenever you meet a kid, whenever you meet a person, do not, you know, say, why are you like that? Try to understand. And there are times when you don't have to only understand, but you also have to rewrite. You also have to, you know, change that person gradually, you know, one bit and one piece at a time. Third is environment, no doubt about that. You already know, you know, people who grow in single parent family or people who grow in, what we call joint family, what we call nuclear families, they'll always be different. Why? Because environment is different. Those kids who are born, to parents who were not, you know, what would I say, who were not able to manage or build or create conducive environment, they'll grow differently. And that's why I always say remember, the worst thing that can happen to a kid is to be born to an angry father and a sad mother. I've always said this, that the worst thing that can happen to any kid is to be born to an angry father and a sad mother. And don't, you know, blame me for it. But in this country, we have this combination so frequently, you know, enforced on every kid. I mean, you have an angry father, a sad mother, and you spoil kid for almost ever. Similarly, I say the best gift you can give to your kid is to love, you know, their mother or their father. So if you're a woman, the best gift you can give to your kids is to love their father. Or if you're a man, the best gift you can give to your kids is to love their mother. Because whenever kids believe that they were born to two individuals who liked and loved each other, their confidence grows to such a great extent that no personality development class or motivational speaker can. Believe me. I mean, there is something fundamental about such a confidence. There is a confidence in fabric of that person. If he or she knows that he or she is born to two persons who genuinely want to and like to be with each other. I know it's tough. Marriages are tough. I mean, marriages are not single, you know, dimensional. But you have to make, please understand, you have to work on a relationship to make it work. I don't think this topic, you know, is it relevant here, so I won't really get into that in details. But environment, yes, you are a product of environment. Education, no doubt about that. When I was talking about try and brain theory, you remember I talked about this portion of the brain. You know, when we are born, hamara brain hota hai kareeb 350 cc ka. और ये इसकी जो साइज है वो करीब 1150 से लेके 1400 सीसी तक होती है. मतलब ये एक्चुअली बढ़ता है, वो आपने देखा होगा ना, ऐसा बढ़ता जाता है ब्रेन. तो देखिए इवोल्यूशन ने कितना अमेजिंग सा मैकेनिज्म रखा दैट द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट डेवलप्स इंटरनली इज ओनली अप टू द साइज विच वुमन्स वूम कैन अफोर्ड टू यू नो टेक आउट विदाउट परमानेंट डैमेज टू द बॉडी. And after that, the brain grows outside. And that's why you'll be surprised. But this portion of the brain, you know, intelligence wala jo portion hai, wo adolescence complete hone ke baad pura uska development hota hai in terms of wiring, internal wiring. Structural development jo kareeb 12 se 13 saal mein ho jata hai. In fact, girls ka 2 saal pehle develop ho jata hai brain. Aur boys jo hai wo kareeb 1.5-2 saal peeche chalte hai brain ke development mein, size ke terms mein. और एडोलेसेंस की एज जो है वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ लास्ट ईयर इट इज 28 नाउ. सो 28 साल की उम्र तक हम पूरा ब्रेन डेवलप नहीं होता इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कनेक्शंस एंड वायरिंग. बट व्हेन दिस गेट्स डेवलप्ड व्हाट मेक्स इट डेवलप हैव यू एवर वंडर्ड वेल इट इज द एजुकेशन दैट हेल्प्स दैट ब्रेन डेवलप. सो विदाउट एजुकेशन यू डू नॉट रियली सी अ पर्सन्स this portion, intelligent portion of the brain getting developed. And I'm not talking about education only in the formal sense. If say kisi jisko hum log kehte hain monks, you must have heard na ki buddhism ke monks bhi jo hain usme agar koi bachcha jo hai wo develop ho raha hota hai aur wo education us term se bhi dekhi jaye to bhi to of course wo education hi hai na. So let's not confuse education only with formal education. Okay, as I said, you know, there can be different kinds of education. But yes, formal education, but not necessarily, you know, only, you know, a board-led education.
Last but not the least, as I've already said, that experiences matter a lot. But please understand, and it's important to understand this line. It is one of my favorite lines. Of course, I have not said it. The line is that experience is not what you come across. It is what you do with what you come across. Aha, beautiful line, isn't it? Experience is not what you come across. It is what you do with what you come across. So experiences happen to you, but how do you interpret those experiences? That's the question. What do you infer from those experiences? That's the question. Aapko same anubhav ya to tod deta hai ya aur zyada jod deta hai. Same bura mushkil waqt jo hai wo kuch parivaron ko tod deta hai, kuch parivaron ko itna gehra jod deta hai jiski had nahi. So you never really know. It's about how you respond towards experience. Because at the end of the day, personality depends a lot on responses, not stimuli. Stimulus will always be there, but there has to be a response. And response is always under your control, of course, quite an extent, not, of course, to the T. So experiences have a huge role in, you know, shaping personality. And that's why I always tell people that if you want to develop your personality, if you want to develop your children's personality, if you want to develop, say, your colleague's personality, for instance, if you're a leader and you want your managers to grow well and do better, if you want your students' personality to grow, then give them experiences, varied experiences, experiences that don't get them killed, arrested. But as I said, any experience that doesn't get them killed or arrested, any ethical experience, I would say, you should give to people. And any ethical experience will help them grow. So please remember that genes, upbringing, environment, education, experiences, they shape a personality. But now my last slide. What kind of experiences that change or develop a person's personality? Well, so let's come to the last slide, developers of personality. Ladies and gentlemen, undoubtedly reading. Oh my God, oh my God. I can never overemphasize on the importance of reading. I think our country is in a very bad shape when it comes to reading habits now. I mean, there was a time when almost every household had, you know, two almirahs full of books. Even when there was only one bicycle, there was no fridge, but there were two almirahs of books. Now there are parents who change their car every 2 years, who have three TVs in one house, but they still don't have two almirahs with books in them. Believe it or not, there's a beautiful saying, those who don't read have no benefit over those who can't read. Ah, 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 beautiful. I'll repeat this. Those who don't read have no benefit over those who can't read. देखिए, अगर कोई इलिटरेट है वो पढ़ नहीं सकता, और आप लिटरेट हैं आप पढ़ सकते हैं, पर आप पढ़ते नहीं हैं, तो बताइए फिर डिफरेंस क्या रहा? फाइनली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला. सो एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट न्यूज़पेपर्स, बिलीव मी, आई मीन दे आर इंपॉर्टेंट, बट न्यूज़पेपर्स, आई मीन वेयर आर द इनसाइट्स, हाउ विल दे डेवलप यू? न्यूज़पेपर्स कांट डेवलप यू. आई मीन ऑफ कोर्स दे कैन हेल्प यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, और दे कैन यू नो हेल्प यू stay aware of what's happening around you, and they're important, but they're not as important as a book would be, isn't it? Please make sure that you read. I am a big fan of books because I was exposed to the magic of books very early in my life. I mean, I still remember, when for the first time I read Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita is of course all-time bestseller, brilliant, brilliant book. Apart from the holy literature, I think it's a psychological literature. People don't realize this. And all the books, believe me, Quran-e Pak or Bible or Guru Granth Sahib, or for that matter, you know, as I said, Bhagavad Gita, all of them are not just about religion. They are about the basic core of being a human. So I still remember, you know, when I had Gita for the first time in my hand, and I still remember my grandmother and grandfather were there. And my grandma said, "Isko samajh mein aayegi." And my grandpa said, "Padhne se hi aayegi." What a beautiful line. Isko samajh mein aayegi? And he said, "Padhne se hi aayegi." Because bina padhe to aa nahi sakti na. And that's why it is important to expose kids to the magic of reading. No doubt about that. It changes you. Second, deliberating. Believe me, if a teacher reads for 1 hour,
then he or she has to deliberate on what he or she has read for at least 2 hours. Hamesha yaad rakhiye, it is not what you read, it is how much you deliberate on, think on. Because you have to understand, you have to appreciate that it is not about how much you eat, it is about how much you digest. And that's why it is crucial for you to deliberate on what you have read. If you cannot, you know, bring about newer nuances in what you have read, then what is the use? And that's why always deliberate, always take out time to think, go for long walks. As I said, I'm not on WhatsApp, so it gives me a lot of time to deliberate on something. If I've read something, I always think on that. Go for on a long walk and don't you know, keep your mobiles. I understand you can always, you know, walk while you talk, but you don't have to talk while you walk, isn't it? You can always go there. एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे अच्छा लगा था, वो लाइन था, कभी खुद को फोन लगा के देखा है, एंगेज ही आएगा नियम का लेखा है. कभी खुद को फोन लगा के देखा है, एंगेज ही आएगा नियम का लेखा है. सबसे बात करने में दुनिया वाले व्यस्त हैं, स्टूडियो वाले मस्त हैं, खुद से बात करने की सभी लाइनें व्यस्त हैं. तो मुझे लगता है कि खुद से बात करने की सभी लाइनें व्यस्त हैं, वो डिलिबरेशन तो हो ही नहीं रहा. डू दैट. नेक्स्ट इज राइटिंग. एज अ टीचर इट इज योर ड्यूटी टू राइट, राइट एवरी डे. लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं, पढ़ते लिखते लोग आगे बढ़ते हैं. पढ़े लिखे तो पास्ट परफेक्ट है, पढ़ते लिखते इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. पढ़ते लिखते लोग आगे बढ़ते हैं. प्लीज मेक श्योर यू राइट एंड यू राइट डेली. I've been writing for years. Every day I write a blog. Every day you'll always see, you know, my writing somewhere on Facebook, on LinkedIn, on Insta, on, you know, Twitter, everywhere. Why? Because it is important for us to write. As teachers, if we'll not write, what will we leave for children? Where is the legacy we'll leave? I always tell people, this is a beautiful line I had heard, and I really subscribe to this line. The line is that what you leave for your children is inheritance, and what you leave in your children is legacy. आप अपने बच्चों के लिए जो छोड़ के जाते हैं उसे वसीयत कहते हैं, और अपने बच्चों में जो छोड़ के जाते हैं उसे विरासत कहते हैं. Where is the legacy? Where is the विरासत? Believe me, I've been doing this work for 20 years now. And if somebody who was taught by me 17 years back, if that person wants to still learn from me, he says that he still learns from me. How? Because he follows what I write. And he says, I get taught by it. I get taught by you without really, you know, doing it consciously. So please write. Always write. And always encourage your people to write. Last but not the least. I mean, of course, second last. Discussing. Always discuss. देखिए teachers, हम तो शास्त्रार्थ वाले लोग हैं भाई. हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ होता था. एक टॉपिक पे आप सोचिए बैठकर बातचीत नहीं, बातचीत और शास्त्रार्थ में बहुत बड़ा फर्क है. आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो, बनस्थली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पहली बार जब शास्त्रार्थ, इट्स ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, अमेजिंग, वर्ल्ड्स, यू नो, बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर विमेन, रेसिडेंशियल, 15,000 बच्चियाँ पढ़ती हैं, बैठती हैं वहाँ, वहीं पर रहती हैं और पढ़ती हैं. इट्स अमेजिंग प्लेस. आई बीन देयर, यू नो, वेरी क्लोज टू देम फॉर ऑल दीज ईयर्स. सो आई स्टिल रिमेम्बर वहाँ पे जब पहली बार शास्त्रार्थ हुआ, एंड आई वॉज देयर अलॉन्ग विद, यू नो, पुनीत जी, देयर वॉज देयर दिस पर्सन, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट हर्ष सर वहाँ पे, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी रियलाइज द मैजिक ऑफ शास्त्रार्थ. इट हेल्प्स यू गेट थ्रेड्स आउट ऑफ वन होल, इज़न्ट इट? उसमें से थ्रेड्स निकाल पाते हो आप, चैलेंज करते हो थॉट्स को. हमारे यहाँ तो जरा सा भी चैलेंज करे कोई थॉट तो हमें बुरा लग जाता है. इमेजिन कीजिए शास्त्रार्थ वाले देश में लोग बहस करने लग गए. I think that's because they don't really develop in terms of personality without discussing. Last but not the least, ladies and gentlemen, traveling. As a teacher, never miss a single chance to travel. Yes, ladies and gentlemen, I know we've got only 2 minutes, last 1 minute. Never miss a single chance to travel. Because when you travel, you remember last time I discussed about the truck wala I had met in Mandsaur? I mean, there's so many people who teach you so much. Traveling is, I've always said, there are only two basic essential means of growing and education, and they are reading and travel. So because right now it is not possible for us to travel, but you can do other things. But then whenever you get a chance, always travel. Travel teaches you more than anything else. And there's a difference between travel and tourism. Huh? I mean, going to a tourist place, buy all package and tour, etc., that is not called traveling. Okay, travel, have some kind of an uncertainty, have, of course, you know, only safe
uncertainty, but have some uncertainty. Try that exploration and you'll believe me, you'll actually change. Okay. Ladies and gentlemen, these are my contact details जो मैंने पिछली बार आपको दिए थे. मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट करके बताया कि उन्हें क्या अच्छा लगा. और साथ ही साथ मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने सुना, पिछला सेशन भी सुना था और इस सेशन को भी सुना है. आप में से इतने सारे लोग अभी भी मौजूद हैं इस सेशन में. आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड दैट यू टुक आउट टाइम एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू कंचन जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी वेयर वी कुड यू नो सिट टुगेदर एंड यू नो जस्ट टॉक, विच इज सच अ रेयर फेनोमेनन दीस डेज. मुझे लगता है एग्जैक्टली 2 बजे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक टीचर को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों जो है वो रखनी चाहिए, और वही मैं कोशिश करता हूँ हर बार. इससे पहले कि मैं एंड करूँ इस सेशन को, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और यू कैन ऑलवेज यू नो रीच मी. पर जब तक मुझे लगता है कृति जी या कंचन जी जो है इसको फॉर्मली एंड करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोग कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट पिछली बार जैसा एक लाइन, एक एग्जाम्पल, एक थॉट, एक कॉन्सेप्ट जो आज डिस्कस किया मैंने एंड विच विल टेक बैक होम, उसको प्लीज लिख कर वहां पे, बिलीव मी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. थैंक यू कंचन जी. कृति जी, ओवर टू यू.